हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम कुमार और आज आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल ऑफ आई विद ऑयल पेस्टल कलर। तो सबसे पहले आपको आई की आउटलाइन बनानी है और फिर उसके बाद उसके अंदर वाले पार्ट पे ऑयल पेस्टल वाइट कलर से उसके अंदर इंटीरियर में वाइट कलर कर दीजिए और उसके सारे आउटर साइड पे आप स्किन कलर का इस्तेमाल करके आप उसे स्किन कलर का टोन दे दीजिए। और उसके बाद जहाँ पर डार्क एरियाज है, जैसे कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्राउन कलर से, ऐसा आप भी कर दीजिए। सो गाइस, अब हम आते हैं आई के अंदर की डार्क एरियाज पे, इंटीरियर उसके, वहाँ पे सबसे पहले ब्लैक कलर से आउटलाइन करके फिर ब्राउन कलर से ऊपर के साइड शेड कर देना और ऑरेंज कलर की लाइन एक बना देना, जिससे ताकि वो रियलिस्टिक लगे। और फिर आप येलो कलर से, डार्क येलो कलर से उसके ऊपर, येलो के ऊपर एंड ब्लैक के ऊपर लाइन खींचेगी। तो अब मैं रियलिस्टिक दिखाने के लिए इसे मैं ब्राउन कलर से जो आई के ऊपर वाला पार्ट होता है उस पर मैं ब्राउन कलर से शेड कर रहा हूँ। अब मैं अंदर वाले को थोड़ा ब्लूइश टाइप में शेड दे रहा हूँ और फिर उसके ऊपर तो वाइटिश। और इसके बाद मैं रेड कलर से आई के अंदर थोड़े थोड़े हाइलाइट्स करूँगा। तो हाइलाइट्स होने के बाद में अब आते हैं नीचे वाले पार्ट पे। नीचे वाले पार्ट पे एकदम सेम टू सेम रियलिस्टिक दिखाने के लिए सबसे पहले आप उसे ब्राउन कलर से हल्का हल्का शेड कर दीजिए और फिर उसे टिश्यू पेपर या फिर ब्लेंडिंग सिस्टम से ब्लेंड कर देना और ब्लैक पार्ट को दोबारा शेड कर देना। सो गाइज, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी ड्राइंग पूरी होने वाली है। और इसके बाद आप आई के इंटीरियर पार्ट में वाइट पेन या फिर वाइट जेल पेन या फिर ऑयल पेस्टल कलर से उसे डार्क कर दीजिए वाइट कलर से। और फिर उसके बाद आईब्रो के लिए ब्लैक पेन या फिर ब्लैक पेंसिल या ऑयल पेस्टल कलर का यूज़ कीजिए ताकि आईब्रो बना सके। सो गाइस, इस वीडियो में खाली इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।